नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है आंखों की कमजोरी। जो बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ते रहते हैं, ऑनलाइन क्लास से अटेंड करते रहते हैं, उनकी आंखों में पानी आता रहता है, बार बार आंखों को मसलते रहते हैं, या आंखों में खुजली बनी रहती है, या चश्मे से भी फिर कम दिखाई देने लग जाता है, उन बच्चों के लिए बहुत ही एक ही अच्छा उपाय है अगर करेंगे तो बच्चे, या कोई बड़ा भी है जिसकी आंखों में कमजोरी है, आंखों में पानी आता है, बच्चों के लिए तो खासकर, और बड़े भी इसको आराम से कर सकते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो आपने क्या करना है, जैसे आप सुबह नहाते हैं तो पानी की बाल्टी में 1 रुपए का या 2 रुपए का एक सिक्का डाल ले, और सिक्का डाल के आंखों को उसमें चारों तरफ घुमाए, चारों तरफ आंखों को अपना अंदर घुमाना है, ठंडे ठंडे पानी में, मतलब जो नॉर्मल पानी होता है उसी में घुमाए, तो इससे आपकी आंखों की पूरी जो जलन है वो धीरे धीरे समाप्त करने में बहुत अच्छी मदद करता है। फिर आंखों की एक्सरसाइज करें, आंखों को बंद करें, या फिर उस पानी में थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल लें तो और अच्छा है। तो पानी में फिर उसमें आंखें धोए, या फिर दिन में जिन बच्चों के आंखों में पानी आता है जो कंप्यूटर पर ज्यादा देर तक वर्क करते रहते हैं, तो हर 2 घंटे के बाद पानी से आंखें धोएं, ठंडे पानी से, या फिर उसमें पानी में थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल लें और फिर उससे आंखें धोएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और ये एक्सरसाइज करें, आंखों को देखें, इसको घुमाते रहें, आंखों की नजर इधर रही, फिर अंगूठे को देखते रहें और आंखें मतलब उसी पर रहें, अंगूठे पर, ये आप क्रिया करें, इसको आगे लाएं पीछे लाएं, एक ये आंखों की एक क्रिया होती है, ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी रह रही है, अगर आपको और कोई भी तकलीफ है, या जो डायबिटीज के जो पेशेंट है जिनकी आंखें कमजोर हो जाती है, दिखाई कम देने लग जाता है, तो और हमारे से सलाह ले सकते हैं, और वैसे ये वो भी ये क्रिया करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है, बीमारी धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है, आदमी को पता नहीं चलता, खासकर डायबिटीज वाले की आंखें चली जाती हैं। तो दोस्तों, मैं डायबिटीज वालों को कहना चाहूंगा, ये सिर्फ नसों की कमजोरी होती है, ये आंखों की भी जो नसें होती है वो कमजोर पड़ने लग जाती है, ऐसे बच्चों की भी आंखें कमजोर पड़ने लग जाती हैं, पता नहीं चलता, धीरे धीरे चश्मे पे आ जाते हैं। तो एक बार में क्या करना, आपने आंखों को बाल्टी में पानी में डालकर धोएं, फिर 2-2 घंटे बाद आंखें धोते रहें। अगर आप आंखें ना भी धो सकते, अगर ना है तो रुमाल को ठंडे पानी में गीला कर लें, फिर अपनी आंखों पर रखें और 2-3 मिनट तक रखे रहने दें। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। फिर आपको ये मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आंखों को दबाएं अच्छी तरह, या फिर ऐसे ऐसे पूरी आंखों को दबाएं। ये एक्सरसाइज आप अगर आप 2-3 घंटे बाद एक बार कर लेते हैं, फिर ये करके ये आंखों को ऐसे यहाँ से दबाएं और ये घुमा भी दें, और ये आंखों को फिर धीरे धीरे बंद करें, खोल लें, ऐसे मतलब ये क्रिया करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।